प्यार ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अरे हमको सबको अनुपूरा, मुझे तो इससे 100 गुना अच्छी टाइगर लगी, उसमें एक्शन दो था। कुछ और नया करो यार, कुछ और नया आना चाहिए। काना का बॉलीवुड का ये कमबैक होने वाला था, लेकिन ये बॉलीवुड का वापस बॉयकॉट हो गया। ब्रह्मास्त्र कैसी लगी पिक्चर? मुझे बोलना है कि बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन आई डोंट नो बट बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, क्यों, क्या हुआ? इतने साल रुके हैं, बुरी फिल्म नहीं है और बहुत बेटर हो सकती थी। प्रॉब्लम वो है, बहुत बेटर हो सकती थी, बहुत ज्यादा हुआ पिक्चर में ऐसा। सी, एक प्रॉब्लम इज कि रोमांटिक ट्रैक पर अननेसेसरी थोड़ा फोकस डाला। आई थिंक वो थोड़ा कट शॉर्ट हो सकता था, आई थिंक वो थोड़ा कट डाउन हो सकता था या हैंडल बेटर हो सकता था, दोनों में से कुछ एक। एडिटिंग डेफिनेटली फिल्म को थोड़ी ज़रूरत थी, थोड़ा कम हो, थोड़ा एक लेंथ ऊपर नीचे हो सकता, नॉट दैट लंबी लगती है बट थोड़ी कम हो सकती थी लेंथ। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम थे डायलॉग्स। मुझे पर्सनली डायलॉग्स बिल्कुल नहीं जमा, अच्छे सीन्स में भी डायलॉग वो सीन को ख़राब कर रहा था ऐसा लगा। अगर इसका सेकेंड पार्ट बनता तो डायलॉग्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका VFX अच्छा चल रहा है, आपके एक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जो मेहनत ली है वो भी दिख रही है, लेकिन जब भी वो लोग मुंह खोल रहे हैं कुछ ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायलॉग अच्छे नहीं है, एक्टिंग भी अच्छी हो रही है, सिर्फ डायलॉग अच्छे नहीं है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, इतने साल रुके हैं करके शायद थोड़े डिसअपॉइंटेड है। अच्छा। बुरी फिल्म नहीं है, बुरी फिल्म नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट इफ वो वॉट इफ वाला सिनेरियो कि इतना ज़्यादा दम था इसके स्क्रिप्ट में कि ये क्या ही कुछ और बन सकती थी, और वो सिर्फ एक ठीक ठाक फिल्म पे रह गई, वैसा हो गया, ठीक ठाक तक आ गई, ठीक ठाक फिल्म पे रह गई, जबकि वो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया फिल्म हो सकती थी। मतलब ये वो फिल्म हो सकती है जो लोग थिएटर से निकल के बोल रहे हैं कि हमने क्या देख लिया, बट निकल के बोल रहे हैं कि ठीक है कुछ बुरा नहीं देखा, हम लोगों ने एक अच्छा अटेम्प्ट देखा, वैसा निकल रहा हम लोग। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, नागार्जुन अमिताभ बच्चन है, उनका काम कैसा है? उनका काम अच्छा है, काफ़ी ठीक है, बट वही मेन चीज़ तो वही है कि डायलॉग्स की वजह से अभी अमिताभ बच्चन को देख देख के इतना बोलते ना, एंग्री यंग मैन देख के अभी अचानक से उनको ऐसा देखेगा तो ना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि डायलॉग है ही नहीं लिटरली उनके लिए। एंड वो जैसे हंस रहे हैं ऐसा, मतलब जो उनका स्क्रीन प्ले रहना चाहिए था ना, स्क्रीन टाइम कम है अमिताभ बच्चन जी का? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन टाइम काफ़ी है, पर स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है। नागार्जुन साउथ के बड़े सुपरस्टार, 5 मिनट का ही है तो कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट, रोल छोटा है, रोल बुरा नहीं है बट रोल छोटा है, रोल छोटा, एक्टिंग वाइज एक्चुअली सबने अच्छा काम किया, एक्टिंग में किसी के भी प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख खान पे आता हूँ, कैमियो है शाहरुख खान का, मुझे उनके लिए बहुत इज्जत है, बचपन से उनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ। ऐसे रोल मत लो यार, अरे मत लो, मतलब राधर नहीं तो बेटर हैंडल होने दो ऐसे रोल, आपकी इतनी इज्जत है, अभी आप तगड़ा कमबैक करने जा रहे हो, जो आई होप बढ़िया हो, क्योंकि तीन पिक्चर चाहिए कि भाई शाहरुख खान कम्स बैक इनटू द पिक्चर थोड़ा एक तगड़ा। बट क्यों यार ऐसे रोल, मतलब जरूरी नहीं है यार, ठीक है दोस्ती के मामले में कर रहे हो ठीक है, ये नहीं है जरूरी, आप बेटर कर सकते। मैं आपसे पूछूंगा, नाम दिया है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र के प्रोमोज भी आए काफ़ी, 8 तरह के ब्रह्मास्त्र दिखाए उन्होंने पिक्चर में, कुछ एक्सप्लेन किया उसके बारे में? गुड क्वेश्चन, सीन ऐसा है कि एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो इंट्रोडक्शन में काफ़ी थोड़ा बहुत किया, एंड हर चीज़ ब्रह्मास्त्र नहीं है, सब वो अस्त्र है साथ में मिलके वो ब्रह्मास्त्र होता है। तो मेन पॉइंट वही है कि स्टोरी में क्यों नहीं बोल रहे, अभी हम लोग सब माइथोलॉजी के ऐसा बिलीवर देखते रहते हैं, हम पहले से देखते आ रहे हैं, महाभारत देखते हैं, महाभारत में ब्रह्मास्त्र देखा है हमने। मतलब ऑनेस्टली हम तो आपस में जब भी दोस्तों में बैठते हैं तो कभी कभार ये डिस्कशन भी हो जाता है कि ये सच हुआ है नहीं, मतलब वो इतनी ओपन चीज़ है कि हम बात कर सकते हो चीज़ के बारे में, तो उतना इंटरेस्ट है। एंड फिल्म में वो पार्ट बुरा भी नहीं है, ठीक है, वो लोगों ने जो अभी उसको माइथोलॉजी बोलो या रियलिटी बोलो, वो तो हर एक इंसान की अपना अपना ये रहता है, उन्होंने हर एक अस्त्र का काइंड ऑफ दिखाया है, मतलब ऐसा फुल फ्लैश जिसमें नहीं गया। एज ए सेड स्टोरी वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने जो चीज़ें बताई है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये जो 2-3 एस्पेक्ट जो खटके हैं ना उधर, वो फिल्म जस्ट एक एवरेज टू अबव एवरेज फिल्म पे रह गई है। चलो अभी एक मैं अमिताभ बच्चन का ही डायलॉग मारता जो मुझे याद आ गया, प्यार ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अरे हमको सबको ने पूरा दुनिया, मतलब इंग्लिश पिक्चर में सब लोग बोला है कि लव इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कुछ और नया करो यार, कुछ और नया आना चाहिए, कुछ ऐसा बोलते ना इनोवेटिव करना चाहिए। वो नहीं दिखेगा तो फिर फायदा क्या, वो इनोवेशन नहीं दिखा। अयान मुखर्जी ने 8 साल दिए, 410 करोड़ की पिक्चर बनाई। ऑनेस्टली इनोवेशन बीच बीच में दिखा, प्रॉब्लम वही, अगर आप पूरी फिल्म में कुछ नहीं दिखा देना तो हम बाहर बोल के निकलते भाई भाई याद ये करेक्ट, बट आपने बीच बीच में वो झलक दिखाई कि ये क्या हो सकती थी। एंड ये जो बेसिक एस्पेक्ट है जिसमें नॉर्मली हिंदी फिल्में अच्छी रही है, जैसे डायलॉग बोलो, ये सब एस्पेक्ट में हम अच्छे रहे हैं, वो चीज़ों की वजह से हम थोड़े ये फिल्म गिरी थोड़ी। सो इनोवेशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए लोगों ने,
जाना तो चाहिए, जाना चाहिए एक बार एक्सपीरियंस करने के, एक बार ही, उसके बाद पता नहीं कैसा होगा। फॉर द एफर्ट डेफिनेटली जाओ, ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट होएगा। दिस ये फिल्म रीसेंट महीनों में जो हिंदी फिल्में निकली है काफ़ी हद तक उन सबसे बेटर ही है, इवन दो स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, बुरी नहीं है, आप थिएटर में देख सकते हो, अलग फॉर्मेट में देखो। हमने 2D में देखी, 3D IMAX 3D में और भी शायद अच्छी लगे विजुअली, क्योंकि विजुअल इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा था, डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं था 2D में, बट 3D IMAX में बेटर। मैंने पूछा नहीं मौनी रॉय के बारे में, उनका नेगेटिव कैरेक्टर, अच्छा काम किया, अच्छा एक्टिंग वाइज सभी अच्छे, नागिन लगी है क्या उन्होंने? एक्चुअली एक हद तक डर था वो कि नागिन का रोल जो उन्होंने किया था टीवी पे उसकी वजह से गलती से ओवर एक्टिंग वगैरह ना हो, बट उन्होंने अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। मौनी रॉय बेटर, चले फाइनल पिक्चर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? वन सेकेंड, मुझे हाँ बोलना है बट आई डाउट, मतलब क्योंकि बजट बहुत हाई है, मेहनत वगैरह सब है, बजट बहुत हाई है, एंड जो एक्स्ट्रॉर्डनरी होनी चाहिए थी वो नहीं है, ठीक है, सो आई होप हो। मेरे हिसाब से मैं व्यूअर है ऐसा कि मुझे फिल्म देखने का है, अभी कोई व्यूअर ऐसा भी रहेंगे कि साला 10-12 साल इतना लगाया और ऐसा मूवी निकला, हम लोग खुश रहूँ क्या ना रहूँ, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो मतलब आप दोनों के हिसाब से थोड़ी एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा पिक्चर का? यस, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। आउट ऑफ 5 कितने मिलेंगे? 2.5 एंड आई होप कि डिस्पाइट दिस की फिल्म चल जाए, क्योंकि इतनी मेहनत है, इतना पैसा लगा, आई होप चल जाए। Okay. But 2.75 it is. ब्रह्मास्त्र, yes sir. मल्टी स्टार कास्ट, पहले तो आलिया भट्ट, गणपति बप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लौकरिया, गणेश जी जा रहे हैं, विघ्नहर्ता, बॉलीवुड का विघ्नहर्ता कर ले तो अच्छा है, पर मैं ये पिक्चर देख के आ रहा हूँ तो मेरा सर बहुत दुख रहा है। सर, सर दर्द हो गया? हाँ, मैं पहले इनका ट्रेलर देखा था, बहुत एक्साइटेड था, पिक्चर में कुछ भी बरोबर नहीं है, स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत स्लो है, मूवी बहुत स्लो पिक्चर है, स्लो हो गया, स्लो मूवी हो गया, यस। और स्टार्टिंग में जब शाहरुख सर का कैमियो था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, शाहरुख सर ने जो 5-10 मिनट का रोल किया है, शाहरुख सर पे बस सब पे भारी पड़ गए, क्या बात है, उनकी कमबैक बोले 10 मिनट का मैंने कमबैक देखा, आई वॉज शॉक्ड, मैं एकदम शिवर हो गया शाहरुख सर को देख के, एक अलग स्टाइल, एक VFX तो लग रहा था, उन्होंने VFX अपना जॉइंट सब अच्छा किया, लेकिन कहा ना कि रणबीर सिंह जहाँ से पिक्चर आते हैं पूरी पिक्चर फ्लैट हो जाती है, सॉरी रणबीर कपूर जहाँ से आता है पिक्चर फ्लैट हो जाती है, आलिया भट्ट भी कुछ कैसा था, रणबीर कपूर, रणबीर सर का एंट्री नॉर्मल था, लेकिन पूरी पिक्चर वहाँ से फ्लैट हो जाती है, स्टोरी फ्लैट हो जाती है, स्क्रीन प्ले एकदम डाउन हो जाता है, और जाना का मुझे इसके सॉन्ग्स अच्छे, आई एम अ वेरी सॉन्ग का मैं सुनने का बहुत शौक रखता हूँ, हाँ आई एम अ म्यूजिक लवर, तो म्यूजिक तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैं पिक्चर के गुस्से में म्यूजिक भी मुझे भी नफरत हो गई, केसरिया सॉन्ग आई वाज वेरी, और देवा देवा भी गाना अच्छा था, भूत सॉन्ग भी अच्छा था, लेकिन पिक्चर ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया, मेरे को लग रहा था कहा ना का बॉलीवुड का ये कमबैक होने वाला था, लेकिन ये बॉलीवुड का वापस बॉयकॉट हो गया, हम लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, इतना मेहनत मत कीजिए, ऑटोमेटिकली ये पिक्चर खुद से ही बॉयकॉट हो जाएगी, और अयान मुखर्जी का जो डायरेक्शन है उनके लाइफ का वर्स्ट डायरेक्शन मैंने ये देखा, ये जवानी है दीवानी उनकी पिक्चर थी, 40 करोड़ की मूवी थी, उसने 210 करोड़ बिजनेस किया, और वेकअप सीट उनकी बहुत अच्छी पिक्चर थी, कहा ना वो पिक्चर ने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया था, मुझे आज भी याद है वो दोनों पिक्चर मैंने 3-3, 4-4 बार रिपीट की, आयन मुखर्जी से मैं ये एक्सपेक्टेशन करके नहीं आया था, और बेवजह उन्होंने VFX घुसाया अंदर, कोई मूवी में VFX का जरूरत नहीं, अगर आप नॉर्मल स्टोरी पर पिक्चर बना देना तो पिक्चर एक सुपर हिट होती, बेवजह उन्होंने VFX घुसाया, VFX का कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट हाफ तो थोड़ा ओके है, स्लाइड विट, सेकेंड हाफ तो डिजास्टर, यस सर, मतलब स्टोरी में गड़बड़ हो गई, यस सर, स्क्रीन प्ले हिल गया, पूरा हिल गया स्क्रीन प्ले, पूरा हिल गया, और मैं बोलता हूँ इस पिक्चर की ताकत सिर्फ संडे तक है, संडे के बाद इस पिक्चर को कोई देखना पसंद नहीं करेगा, मतलब मंडे से दिस पिक्चर विल बी अ जीरो बॉक्स ऑफिस, जीरो, काफी काफी गुस्से में लग रहे हैं, यस आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, मुझे तो इससे 100 गुना अच्छी लाइगर लगी, उसमें एक्शन तो था कुछ ना कुछ, विजय देवगढ़ का एक्शन था, एक्शन ने पैसा वसूल कर दिया, इसमें ना एक्शन है ना इमोशनल है, ना BGM इसका अच्छा है, ना साउंड अच्छा है, ना गाने भी उसके अच्छे थे, लेकिन वो पिक्चर ने वो भी बर्बाद कर दिया, क्लाइमेक्स भी बेकार है, अमिताभ वेस्ट, नागार्जुन वेस्ट, मौनी रॉय वेस्ट, सब वेस्ट, पिक्चर ही वेस्ट। और ये अस्त्रवर्स जो कहा है इन्होंने, जो नाम सर पिक्चर जो है पब्लिकल एंगेज होना चाहिए, जब शाहरुख खान सर आते हैं तो हम लोग पिक्चर से जब ज्वाइंट हो जाता, जब शाहरुख खान आया तो हम लोग को लगा पिक्चर में दम है, कहा ना का पिक्चर ये हिट होना, जैसे शाहरुख खान का रोल स्टॉप, पिक्चर फ्लैट, फ्लॉप। और ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया सर, सब ऐसे फेक बताया, कुछ इतना डीपली नहीं बताया, अमित सर को तो बहुत वेस्ट किया, इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े बिग बी गॉड ऑफ बॉलीवुड को ऐसे वेस्ट कर दिया, एंड अभी पार्ट 2 भी लेके आएंगे, हाथ जोड़ा अयान मुखर्जी, पैर पड़ रहा हूँ भाई,
हमको हमारे पे भरोसा करो, नहीं तो हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराओगे क्या? और क्लाइमेक्स तक तो मर ही जाते थे, बच गए, कैसे ना कैसे निकल गए बाहर। चलिए थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू। ओ सर, देखते अगले बार आप। नहीं नहीं सर, अगले बार तो छोड़ दो सर, ऐसी वर्स्ट मूवी मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। ओके, आपको फिल्म ब्रह्मास्त्र अच्छी थी? बहुत अच्छी थी। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, हाँ अच्छी थी। नागार्जुन है साउथ के बड़े सुपरस्टार, उनका काम कैसा है? अच्छा है था बहुत। आपने 2D में देखा है, कैसा था इफेक्ट, VFX का इफेक्ट? बहुत अच्छा इफेक्ट था। अच्छा था, कहानी क्या दिखाई है? ब्रह्मास्त्र के ऊपर। कुछ कनेक्शन दिखाया है ब्रह्मास्त्र के नाम से कहानी में? ब्रह्मास्त्र की क्या दिखाया है अयान मुखर्जी ने? प्यार की शक्ति के बारे में। प्यार की शक्ति के बारे में दिखाया। ओके, आपको कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी। पक्का पैसा वसूल हुआ? हाँ वसूल हुआ, क्योंकि फैमिली ना, फैमिली से पैसा वसूल होता है। यस अच्छा होता है। बायकोटे से चलता है था, बायकोटे ना चलता है था, उसको देखना वो देखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। हाँ मूवी में एक चीज़ अच्छा है, प्यार के बारे में बताया, उसमें सही है प्यार के बारे में। जी मैं मुस्लिम हूँ, हम लोगों ने बताया कि प्यार सबसे बड़ी चीज़ होता है। अच्छा नहीं ना ऐसा, तो भंगी टाइप का, लेकिन स्टार्टिंग लास्ट में इंटरवल के बाद अच्छा। शाहरुख खान का कैमियो बहुत अच्छा है भाई, वो तो क्या बताए उनकी, मस्त उनका एक्टिंग अच्छा था। पब्लिक ने सीटियां बजाई गेटी गैलेक्सी में शाहरुख को देख के? बहुत कम हुआ। ओके, बायकॉट्स लेना, पठान बायकॉट्स लिए। क्या लग रहा है पिक्चर चलेगी? मे बी जिस हिसाब से मैं देखा हूँ, एनालाइज कर सकती इंसान की नहीं, बहुत कम 70% 100% है, 70% बायकॉट की वजह से या पिक्चर में दम नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि बायकॉट थोड़ा असर पड़ता है पिक्चर पे, 10-20% असर पड़ता है। और कुछ बात ना, कुछ लोग ना कैसा, अभी जो रणबीर कपूर है, जो आलिया भट्ट है, जो अभी कहीं जा रहे थे शायद, कहीं पे जा रहे थे, उनको वहाँ से भी नहीं जाने थे, एंट्री नहीं थे, इसलिए थोड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए पिक्चर का कलेक्शन कम, बहुत कम हुआ। पहला दिन शो में कुछ ही नहीं, 40 लोग थिएटर सॉल्व हो गया, 40 लोग थे बस, 1000 सीटर में 40 लोग मतलब होती है क्या? बहुत कम होता है। बालकनी में 150-200 लोग होता है, उसमें 40 लोग थे। लेकिन पिक्चर आपको पसंद है? मुझे पसंद है। 5 में से कितने? 4।